यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, साथ ही सरकारों के सामने बड़ी चुनौती भी है। हर एक सरकार कमोबेश वादा यही करती है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, लाख बार दम भी भरा जाता है कि कोशिशें जारी हैं, महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन काम कितना किया जा रहा है वो एक बड़ा सवाल है। और अगर कोशिशें की जा रही है उसके बावजूद भी महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है उसमें कमी क्यों नहीं आती, वो भी बड़ा सवाल। बिल्कुल, तमाम सख्त कानून बनाने के बाद भी प्रदेश में महिला अपराधों और रेप की घटनाओं पर रोक नहीं लगा पा रही है सरकार, और वहीं पीड़ित महिलाओं को जल्द न्याय दिलाने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है। इसके तहत प्रदेश के 6 जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और रेप जैसे गंभीर मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ऐसे मामलों में अब जल्द सुनवाई के लिए राज्य में 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने जा रही है। ये कोर्ट फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत और नूह में खोले जाएंगे। आपको बता दें कि जहां पर भी बलात्कार के 50 केस लंबित हैं, वहां ये कोर्ट खोले जाने प्रस्तावित हैं। हरियाणा के गृह सचिव एसएस प्रसाद ने बताया कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से भी फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की सहमति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि अदालतों के स्थापित होने से ऐसे गंभीर मामलों में जल्द न्याय होगा। जो मकसद है कि केस का निपटारा जल्दी से जल्दी हो, वो मकसद में हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, तो इस चीज़ को देखते हुए ये विचार है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं जिसमें सिर्फ रेप के केसेस हों और उनके पास जो केस है उनकी संख्या कम हो ताकि उनका निपटारा जल्दी किया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां भी 50 केस लंबित हैं वहां पर कोर्ट खोले जाएंगे। फरीदाबाद में 100 केस हैं, वहां पर 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाने प्रस्तावित हैं। इसी तरह नूह, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत में भी कोर्ट खोले जाएंगे। अभी सोच ये है कि जिन जिलों में 50 से ऊपर रेप के केसेस हैं वहां पे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना की जाए, और जहां पे 100 से ज़्यादा है वहां पे 2 की जाए। तो 4-5 जिले हैं जहां पे जो इस क्राइटेरिया के तहत क्वालिफाई करते हैं, वो जिले हैं फरीदाबाद है, गुड़गांव है, सोनीपत है, पानीपत है। फरीदाबाद में बलात्कार के 100 मामले लंबित। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा रेप के मामले। फरीदाबाद में खोले जाएंगे 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट। नूह, गुरुग्राम, पानीपत के अलावा सोनीपत में भी खुलेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। सभी थानों में एक एक PCR देने का फैसला। एसएस प्रसाद ने यह भी बताया कि सरकार ने सभी थानों में एक एक और PCR देने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि महिला पुलिस अधिकारियों को इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाने के लिए गृह विभाग ने 30 रिटायर्ड DSP स्तर के और 30 रिटायर्ड इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर ड्यूटी पर लेने का फैसला लिया है। इस वक्त हर जिले में एक महिला थाना है और उसके पास एक PCR है और 2 स्कूटी है। उनको PCR बढ़ाने के लिए हम हर थाने में 2 और PCR दे रहे हैं और स्कूटी की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। हम जो रिटायर्ड DSP हैं या इंस्पेक्टर हैं उनको कंट्रेक्चुअल बेसिस पे रखें और हैंड होल्डिंग का काम करेंगे, 1-2 साल रखेंगे, तब तक इनको भी अपना जो महिला पुलिसकर्मी है इनको तजुर्बा हो जाएगा कि जो तफ्तीश कैसे करते हैं खास करके, बिकॉज तफ्तीश काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। और सरकार की ओर से जो सहमति हाईकोर्ट से ली गई है उसके बाद अब सरकार को चाहिए कि तुरंत इस दिशा में काम करे जिससे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तेजी से खोले जाएं और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। लेकिन इस पर कितने समय में काम होगा और क्या सरकार की महिला सुरक्षा की पॉलिसी अभी तक कामयाब हुई है? साथ ही सवाल तो ये भी है कि जब कानून सख्त कर दिया गया, महिला थाने खोले गए, सरकार ने बेटियों की सुरक्षा की दिशा में कई कदम उठाए, उसके बावजूद भी अगर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है तो क्या वाकई सरकार और सिस्टम को एक बार फिर सोचने की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे समाज को भी इस बारे में सोचने की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।
जी बिल्कुल, आज ये जरूरत बन चुकी थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएं हरियाणा में, और मंजूरी भी मिल चुकी है हाई कोर्ट से, क्योंकि खुद कहा है गृह सचिव ने कि सहमति मिली है, और कहीं ना कहीं जो आंकड़े थे एनसीआरबी के वो भी डराते थे, और अब जो है न्याय मिलने की उम्मीद जगी है पीड़िताओं में। बिल्कुल, पीड़िताओं को लेकर, महिलाओं को लेकर खास तौर पर चर्चा यही करेंगे कि सरकार की भूमिका कितनी है, सरकार ने जो प्रयास किए क्या वो काफी है, प्रशासन की क्या भूमिका है और सामाजिक पक्ष कितना है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, नेलू की ओर से प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका चर्चा में। कांग्रेस से हमारे साथ जगजीत हुड्डा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद प्राशर जी हमारे साथ हैं चर्चा में, रिटायर्ड ACP BS डॉगर साहब हमारे साथ हैं इस चर्चा में, सभी का स्वागत है। साथ ही बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं संजय आहूजा जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। त्रि साहब, क्या लगता है कितना खास या बड़ा कदम मानते हैं आप सरकार का? देखिए, एक तो पहली चीज ये बात सरकार ने खुद स्थापित कर दी, और जो एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते थे कि प्रदेश के अंदर रेप और गैंग रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर हालात में है। जो बात हम लगातार कहते रहे, बार बार मांग उठाते रहे कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर करे, दुरुस्त करे, आज सरकार ने इस बात को मान लिया कि वाकई हालात जो है वो सरकार के बस से बाहर है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केवल रेप की घटनाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का मतलब ये है कि रेप की घटनाएं इस कदर बढ़ी हैं कि आपको अलग से कोर्ट स्थापित करने की जरूरत महसूस होनी शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के मामले में सरकार का फेल्योर है, ये सरकार यहाँ पे विफल साबित हुई है। लेकिन कई चीजें जो यहाँ पे कही गई हैं, देखिए एक चीज तो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि जी हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे DSP और इंस्पेक्टर्स जो हैं उनको अपॉइंट करेंगे, और वो महिला जो पुलिसकर्मी है उनको सिखाएंगे कि तफ्तीश कैसे की जाती है। हालांकि जहां तक मेरी जानकारी है, जब पुलिस में कोई भर्ती होता है उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसमें यह चीज भी इंक्लूड होती है कि अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करना है तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपॉइंट करेंगे, मतलब खुद ये बात मान ली कि आज प्रदेश के अंदर पुलिस फोर्स की कमी है, और ये बात भी हम लगातार कहते रहे कि प्रदेश के अंदर पुलिस फोर्स की कमी है, नई भर्तियां होनी चाहिए जिससे कि प्रदेश की जनता को सुरक्षित महसूस करवाया जा सके, उनको बेहतर कानून व्यवस्था दी जा सके। ज्योति जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, जब भी कोई भी जनता सरकार चुनती है तो उसमें प्रमुख बिंदु क्या देखे जाते हैं कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले और बेहतर कानून व्यवस्था मिले। अब जब कानून व्यवस्था इस कदर लचर हो जाए कि रेप के मामले लगातार बढ़ते चले जाए, और अगर एवरेज की बात करें तो आप हम पहले कर कई बार चर्चा कर चुके हैं कि एक दिन में 4 रेप की घटनाएं प्रदेश में अगर होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो किस कदर बढ़ा है। और दूसरी तरफ सरकार का इसके प्रति जो नकारात्मक रवैया रही है, नकारात्मक रवैया मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लगभग 4 साल हो गए इस सरकार को सत्ता में आए हुए, सरकार 4 साल से इस मामले में कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा सकी। अब 4 साल के बाद भी अगर होम सेक्रेटरी ये बात बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम विचार कर रहे हैं, एक तो मुझे इस पर बड़ा एतराज है कि विचार कर रहे हैं का क्या मतलब है? आपको सुरक्षित महसूस करवाने के लिए, नागरिकों को बेहतर सुरक्षा देने के लिए इंप्लीमेंट करना चाहिए, अभी विचार करने की जरूरत नहीं है। पहले भी आपके पास कोई बचा नहीं है। संजय आहूजा जी हैं हरियाणा बीजेपी की ओर से हमारे साथ। आहूजा साहब, इनेलो को लगता है कि स्थिति वाकई बेहद खराब है, और सरकार ने भी मान लिया है कि स्थिति खराब है, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे रेप के मामलों के लिए हरियाणा में। देखिए, निश्चित तौर पर जो गृह सचिव जी ने कहा अभी कि स्थिति सुकृति है, मेरे को लगता है कि प्रवीण अत्री जी को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, राजनीतिक ढंग से बलात्कार के केसेस जो गैंग रेप है वो बढ़ रहे हैं, समाज के लोगों को, राज्य लोगों को, सबको इसको मिलकर रोक करना चाहिए। क्या रेप केसेस में क्या बीजेपी राजनीतिक रंग नहीं देती रखी? अगर निर्भया कांड की बात भी चलिए ना करें, हिमाचल का सुनिए एक बार के लिए, हिमाचल का गुड़िया गैंग रेप मामला आपको याद होगा, आपके हमीरपुर से बीजेपी सांसद संसद में आवाज उठाते हैं, सड़कों पर आप लोग आ जाते हैं, कौन सी पार्टी है ऐसी जो महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को नहीं घेरती विपक्ष में रहकर? बिल्कुल, देखिए हम भी करते रहे, और मैं इस चीज के लिए कह रहा हूँ कि राजनीति नहीं करी हमने, हमने कहा कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, और हमने भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जिसने सबसे पहले महिला इतनी देरी क्यों की आपने? हेलो, इतनी देरी क्यों की आपने? आपको अब महसूस हुआ कि अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ? नहीं, कहां देरी की हमने, हमने आते देखिए, हमने महिला की सुरक्षा के लिए आते ही हमने महिला थाने खोले, अलग से महिलाओं को सुरक्षित के, उनके सुरक्षा के लिए अलग से महिला थाने खोले कि महिलाओं को
जो लेकिन आपको अब महसूस हुआ, आपने कहा आते ही थाने खोले, लेकिन अब महसूस हुआ कि जो महिला अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, उनको जो है दक्षता सिखाई जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, कि विषयों पर सियासत ना की जाए, विपक्ष से ये देखिए ज्योति बड़ी हैरानी होती है जब सरकार की तरफ से या सरकार के नुमाइंदों की तरफ से इस तरह की बात की जाती है। ये राजनीति नहीं है, ये प्रदेश की महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके प्रति घबराहट है, एक दुख है और चाहते हैं कि सरकार अपने कर्तव्य का पालन करे। एक जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है महिला थानों का। हाँ। आपको हैरानी होगी संजय जी, आप भी जानते हैं, सुनिए संजय जी, आपको आसानी रहेगी जवाब देने में। संजय जी क्या आप नहीं जानते कि जितने महिला पुलिसकर्मी की जरूरत है, जो अप्रूव्ड पोस्ट है, आज उसमें केवल 50% महिला पुलिसकर्मी काम कर रही है, क्या आप नहीं जानते? 50% की कमी है प्रदेश के अंदर, क्या आप नहीं जानते? उसके बावजूद आप कैसे पीठ थपथपा सकते हैं अपनी के हमने महिला थाने खोल दिए? अत्रे जी एक बात सुनाइए, मैं ये कहूँ की कमी आज से ही है, ये काम हम तो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, आपसे तो ये बात करते हैं की बिल्कुल आपके सांसद भी कहते नजर आते हैं आदिकाल से ऐसे अपराध हो रहे हैं। एक और चीज है संजय जी, मुझे हैरानी होती है, आप देखिए आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल के अंदर काम नहीं हुआ, इस बात को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी माना और ज्योति जी के सामने बैठ के माना था इंटरव्यू के अंदर, इसीलिए तो बीजेपी को मैंडेट दिया जनता ने। अगर आप कांग्रेस का केवल उस बात को करके अपने कर्तव्य से इतिश्री करोगे तो कहीं ना कहीं अपने कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते। हुड्डा साहब, महिलाओं की स्थिति आपकी सुनिए एक बार के लिए, हुड्डा सरकार के दौरान भी 10 साल कोई बहुत अच्छी स्थिति रखी थी, अब सरकार ने जो ये कदम उठाया है इसको कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि महिला सुरक्षा के ऊपर जो बात थी, भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर सबसे ज्यादा शोर मचाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, सिर्फ वो कागजों तक सिमट के ही रहा। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अगर आंकड़ों की बात करें तो कल ये 4-5 जिले को छोड़ के पूरे प्रदेश में भी हमारे प्रदेश की जो पहचान दूसरे राज्यों में एक रेप के मामले में बहुत अच्छी नहीं रही। हरियाणा में पिछले जो माहौल हुआ तो सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं हरियाणा में हुई, सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हमारे इलाके में भी, जैसे हमारे फतेहाबाद में मुझे ध्यान है कि जब महिला थाना खोला गया था तो हमारे प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने वहाँ विजिट की थी, तो महिला थाना खोलने से अपराध नहीं घटेगा क्योंकि उसमें मुलाजिम ही नहीं है, और जब तक उसकी पर्याप्त मुलाजिम उसमें नहीं होंगे तब तक इन घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। केवल ये नोटिफिकेशन जारी करने से या आदेश पारित करने से कोई महिलाओं के प्रति जो क्राइम है सुधार होना है? सरकार के दौरान नहीं था, देखिए सरकार ने तो महिला थाने भी नहीं खोले थे जो बीजेपी को लगता है, लेकिन मैं जो अभियान बीजेपी चला रखी है आपकी सरकार ने तो वो भी नहीं चलाए थे। अब आप लोग राजनीति कर लेते हैं, सिर्फ अभियान चलाने से रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अभियान चलाने से उसमें अगर कटौती आई हो, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि केवल और केवल नारों तक सीमित है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले में काफी अब सुधार हुआ है। कहाँ सुधार हुआ है? मैं ये मानता हूँ, मैं तो बहुत से केस, तो ये भी फास्ट ट्रैक की कोर्ट की बात करें, 5 जिलों में क्यों, पूरे हरियाणा में जुड़ते इसकी, पूरे हरियाणा में पीड़ित है लोग, हमारे इलाके में फतेहाबाद सिरसा में भी बच्चियों से गैंगरेप हुए जो आज तक ट्रेस भी नहीं हुए, उस दिशा में इन लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया जाए। जहां भी जिस भी जिले में 50 से ज्यादा मामले लंबित है रेप के, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अदालत एक होगी, क्योंकि फरीदाबाद में 100 मामले जो है लंबित है, इसके चलते 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट वहां पर बनाए जाएंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस चीज का मतलब इंतजार कर रही है कि ज्यादा रेप की घटना हो तब हम उनको न्याय देंगे। न्याय पाना नहीं। अच्छा देखो, अच्छा कदम है, अगर न्याय मिलना चाहिए पीड़ित को, लेकिन पूरे पूरे हरियाणा में इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, ना कि 5 जिलों तक। एक चीज और मैं कहूंगा, कमल जी बीच में थोड़ा इंटरप्रेट कर रहा हूँ, पहली चीज तो यह है कि आपने अभी लिंगानुपात का जिक्र किया, सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि हमने लिंगानुपात को बेहतर कर दिया, दूसरी तरफ जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है और नीति आयोग की रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि हरियाणा के अंदर लिंगानुपात घटा है, और आपको याद होगा मीडिया में यह बात बहुत चर्चा का विषय बना था कि सरकार ने गलत आंकड़े देके ये बात कही कि हरियाणा में लिंग अनुपात के अंदर बेहतरी हुई है, तो ये तो सरकार की सच्चाई है। और दूसरी चीज एक और भी जो आपने जिक्र किया था कि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर महिलाओं के प्रति अपराध का, एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए, 2005 से लेकर 2014 के बीच में महिलाओं के प्रति अपराध में 174% की बढ़ोतरी हुई थी कांग्रेस के कार्यकाल में, और मैं समझता हूँ कि शायद इसलिए अशोक तंवर ने कहा होगा कि हुड्डा साहब के टाइम में कोई काम ही नहीं हुआ, कानून व्यवस्था बेहतर नहीं थी, तो क्योंकि बढ़ोतरी बड़ी थी, महिलाओं के प्रति अपराध इस कदर बड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी न्याय दिलाने में जो है फेल साबित हो रही है। देखिए नियम काफी कड़े हैं और पहले से भी ज्यादा कड़े कर दिए गए, फिर भी महिलाओं के प्रति जो क्राइम है अपराध है उसमें क्या लगता है कमी क्यों नहीं आती? ये आपकी बात बिल्कुल सही है,
कानून कितने भी कड़े आप बना लीजिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन जब तक प्रॉपर वे में नहीं किया जाएगा तब तक रोकथाम किसी भी ऑफेंस की नहीं हो सकती। ऑफेंस पहले भी बहुत सारे थे, अभी रिसेंटली जो कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018-21-4 जो 18 से जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने पास किया है उसी में ये लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन रेप केसेस की विद इन 2 मंथ्स कंप्लीट की जाएगी और विद इन 2 मंथ्स ट्रायल पूरी की जाएगी। अगर कोई अपील भी उसके अगेंस्ट होगी विद इन 6 मंथ्स अपील भी डिसाइड की जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश किए जाएंगे, ये मैंडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस ऑर्डिनेंस के तहत ही है। पर ये बड़ी अच्छी बात है कि रेप बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं और दो दो तीन तीन साल तक वो केस कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं, ये बड़ा ही ड्रॉबैक था। बड़ी अच्छी शुरुआत है, चाहे इस ऑर्डिनेंस के बाद किया या गवर्नमेंट की प्रपोजल जो भी पहल रही हो, तो ये है। सबसे बड़ी बात यह है कि भी इन्वेस्टिगेशन डेडिकेटेड मैन पावर चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, दक्षता सब में होती है। कई कोर्सेज चल रहे हैं, मैं नंबर ऑफ जो है डिफरेंट प्लेसेस पे आई एम गेस्ट फैकल्टी, तो मैं वहां जो लेक्चर डिलीवर करने जाता हूँ क्राइम अगेंस्ट वीमेन का, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में भी कोर्स रन कर रहे हैं, 10 कोर्स टोटल रन करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स के मुताबिक। ये है कि भी हमें वी हैव टू सेंसिटाइज द पुलिस, एक पुलिस को पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन अगर हमारे पास आई है तो हमें क्या क्या करना है और कब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। बड़ी अच्छी बात है, इस रेप केसेस में DNA बड़ा इंपॉर्टेंट एक पहलू है कि DNA सैंपल हम ले लेते हैं। FSL मधुबन की बात करिए या चंडीगढ़ की बात, मधुबन का मुझे पता है काफी दो दो साल तक DNA के केसेस पेंडिंग है, तो इसका यूज क्या हुआ? होना चाहिए। पर शायद अभी चंडीगढ़ में रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि भी स्पेशल फोरेंसिक लैब एस्टेब्लिश की जा रही है और जिसमें परहैप्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद इन 3 डेज और समथिंग DNA का रिजल्ट आएगा। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होने भी चाहिए क्योंकि रेप केस भी है, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, अपराध लगातार। और पुलिस की भी एक रिपोर्ट आई थी वो भी हैरान कर देने वाली थी कि 38 अपराध होते हैं रोजाना महिलाओं के खिलाफ। राष्ट्र जी आपके पास आना चाहेंगे, आप एडवोकेट भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जैसे कि उठा साहब कह रहे हैं कि हर जिले में होनी चाहिए फास्ट ट्रैक क्या कोर्ट, क्या ये काफी है या नाकाफी आप देखते हैं इसे? जहां तक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है उसके दोनों पहलू हैं। उस पे आने से पहले मैं एक बात सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहूँगा कि इस रेप की घटनाओं को या नारी के खिलाफ कोई भी अपराध होता है उसको राजनीतिकरण ना करके जी। अगर उसके अंदर कोई भी सरकार पहल करती है देर से सवेर से उसका स्वागत करना चाहिए और मैं यहाँ जो ये फैसला लिया गया है इसका स्वागत करता हूँ। दूसरी बात आती है हमारे समाज में रेप होने के बाद या अपराध होने के बाद उसका न्याय दिलाने की बात कही जा रही है, उससे पहले हमें अपने समाज की सोच बदलने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जो नारी एक आदमी को जन्म देती है वो कमजोर नहीं हो सकती है, उसकी मजबूरियां हो सकती हैं जो ये इतना अत्याचार सहन करती आ रही है। पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं कि नारी के ऊपर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जहां तक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है उसके दोनों पहलू हैं। पहली बात तो हमें अगर अपराध बढ़े हैं तो उनको कोर्ट के द्वारा सेटल करना और अक्यूज को पनिशमेंट दिलाना सरकार का और समाज के लिए दोनों के हित में है। दूसरा पहलू अगर हम देखें फास्ट ट्रैक कोर्ट का, अगर मैं एक बड़ी अच्छी कहावत कही जाती है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है जस्टिस इन हरीड जस्टिस ब्रीड। सो फास्ट कोर्ट बनाने के लिए मैं जहाँ तक मैं नॉलेज रखता हूँ कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता है, एडिशनल जजेज नहीं लगाए जाते हैं, न ही उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और न ही जो वहाँ प्रोसिक्यूटर होते हैं उनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग जजेज हैं उन्हीं को स्पेशल कोर्ट दिए जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। अगर हम फास्ट ट्रैक स्थापित कर रहे हैं, जैसे कि पहले भी पूरी इंडिया में 400 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं और अपने हरियाणा में भी 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो कि अभी 6 और आ जाएंगे, इससे न्याय मिलने में तेजी आएगी, इसमें कोई दोरा ही नहीं है। एक चीज कहूंगा, अभी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता
प्राशल साहब, एक तरफ तो ये बात कह रहे हैं कि चाहे निर्णय देर सवेर लिया हो उसका स्वागत करना चाहिए, दूसरी तरफ खुद ही एक लाइन बोल रहे हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये दो बातें अलग अलग हैं। अगर सरकार उचित समय पे उचित कदम ना उठाए तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप। दूसरी चीज, डोगरा साहब ने एक बात कही थी और मैं सहमत उस बात से, डोगरा साहब बोले कि पुलिस को सेंसिटाइज होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और जो इस आज के टाइम में बड़े साइंटिफिक वे हैं इन्वेस्टिगेशन के, क्योंकि मॉडर्न साइंस का जमाना है, और ये बात भी इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही है। लेकिन यहां हो क्या रहा है, सरकार के नकारात्मक रवैये की वजह से बजाय पुलिस सेंसिटाइज होने के, बजाय मॉडर्न साइंटिफिक वे से इन्वेस्टिगेशन करने के, गुरुग्राम का केस आपको याद होगा जिस जो निरपराध बस कंडक्टर था उसको मारपीट करके जुर्म कबूल करवा के उसको जेल में डाल दिया था, मॉडर्न बनाने के लिए इजराइल भी ले जाते हैं ना मंत्री, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये कोशिश नहीं है, ये केवल दिखावा, केवल दिखावा, वो इसलिए एक एग्जांपल आपके सामने है, उस ड्राइवर का एग्जांपल देखिए, जबकि आपके पास इन्वेस्टिगेशन के इतने मॉडर्न साइंटिफिक रास्ते हैं कि आप क्रिमिनल तक पहुंच सकते हैं उसके बावजूद, क्योंकि आपके ऊपर जो लोग बैठे हैं सत्ता में उनका रवैया जो है वो नेगेटिव है, इसी वजह से पुलिस जो है नेगेटिव वे में काम कर रही है। संजय आहूजा जी, आप हैं फोन लाइन पर जी। अगर सरकार से सवाल ये किया जाए कि बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया, तो आप लोगों के पास लंबी चौड़ी लिस्ट है एक, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एनसीआरबी के आंकड़े ये कहें कि महिलाओं के प्रति जो क्राइम है उसमें बढ़ोतरी हुई, तो सरकार कहाँ फेल रही फिर? देखिए, मैंने पहले सबसे पहले यही कहा, ये एक सरकार का फेलियर नहीं है, ये एक सामाजिक कुरीति है जो महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ, ये एक कुष्ठापूर्ण ये एक अपराध हो रहा है, जो ये एक सामाजिक कुरीति है, सरकार इसके प्रति एक सजग जो पहल कर रही है, ये नकारात्मक गैंगरेप, रेप और गैंगरेप किया जाना सामाजिक कुरीति लगती है आपको सरकार में होने के नाते? देखिए, मैं फिर वही बता रहा हूँ, हमारी सरकार नकारात्मक नहीं, सकारात्मक तरीके से काम कर रही है, जो बच्चों ये को और सामाजिक बुराई है ये सामाजिक कार्यकर्ता कर लेंगे, ये बात सामाजिक कार्यकर्ता कर लेंगे, आप सरकार में है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? देखिए, सरकार की जिम्मेवारी जो आज आप गृह सचिव जी ने हमारे लिए एक फैसला लिया कि फास्ट ट्रैक उनको एक, अभी प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि न्याय नहीं मिलता तो उसी वजह से ये कदम उठाया गया, उस कड़ी में एक कदम उठाया गया है, तो उनको एक फास्ट ट्रैक में ले जाकर उनको न्याय दिलाया जाए। संजय आहूजा जी, आप ये देखिए, महिलाओं से दुष्कर्म में हरियाणा अव्वल है, और ये हम नहीं, ये हरियाणा पुलिस की CAW की सेल कहती है, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी खुद विधानसभा में मान चुके हैं कि चार कैटेगरी के अंदर अपराध बढ़ा है, तो मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया विधानसभा। क्या कहेंगे संजय जी आप? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, अपराध बढ़ा है क्योंकि अपराध मामले हुए वो दर्ज होने शुरू हुए हैं पिछले सरकारों में। संजय जी, फिर आपने वही झूठ बोलना शुरू कर दिया साहब, थानों में इनके केस दर्ज नहीं होते थे। संजय जी, आप इस बात को जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद, और वो डायरेक्शन कोई आज की नहीं है, आपके टेन्योर की नहीं है, 2009 की डायरेक्शंस है वो, तो इस तरह का आप बात करेंगे तो बड़ी अजीब लगेगी, ऐसा झूठ तो कम से कम मत बोलिए। और आपने एक बात कही है कि सामाजिक कुरीति है, मुझे हैरानी होती है, एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी अपराध कर रहा है और घिनौना अपराध कर रहा है, फिर ये सामाजिक बुराई कैसे कहेंगे? जातिवाद नहीं है, अगर रेप किया जाए, गैंग रेप किया जाए, सीधा सा मतलब ये है कानून का खौफ नहीं है, इस बात को मानना ही होगा संजय आहूजा जी, और सरकार ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकती कि सामाजिक बुराई है, आप सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि सामाजिक बुराई है, आप मानिए कि बहुत काम करने की जरूरत है अभी सरकार को। हमने कब कहा कि काम पूरा हो गया हमारा? बिल्कुल काम करने की जरूरत है, और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, सकारात्मक तरीके से काम कर रहे हैं, हम इस चीज से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे कि अभी काम पूरा हो गया, अभी मंजिल दूर है, हमने एक शुरुआत की है, जैसा अभी इन्होंने कहा कि संजय जी आपका काम पूरा नहीं, आपका काम शुरू ही हुआ अभी, हमारा इतराज हुआ है, आप भी विपक्ष में, इनेलो भी है, आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या काम करने की जरूरत है सरकार को, कोशिश तो कर रही है, प्रयास किया जा रहा है, और ये भी कह रही है बीजेपी, जैसे कि संजय जी ने कहा कि अब तो लोग खुलकर उनके खिलाफ अपराध होते हैं तो पुलिस में जाते हैं और वहां पर मामला दर्ज करवाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। देखिए, सिवाय पल्ला झाड़ने के अलावा संजय जी कुछ नहीं कर रहे हैं, बीजेपी सरकार के टाइम में अपराध बढ़े हैं, उनके मुख्यमंत्री ने माना है, और ये जो जिस तरह से इन्होंने बात की है कि केवल कुरीति को इसको अगर संज्ञा देके इसको ये पल्ला झाड़ने का काम है बीजेपी सरकार का, हर किसी भी मुद्दे पे हो, सिवाय पल्ला झाड़ने से, सिवाय झूठ बोलने से, इन लोगों को आंकड़े पे आते ही नहीं, जिस तरह से सरकार में अपराध हो रहा है, 4.5 साल लग गए इनको शुरुआत लेने में, मैं कह रहा हूँ इस पे अगर शुरू से ही ये कानून व्यवस्था को, हम शुरू से कांग्रेस पार्टी की ओर से समय समय पे प्रदर्शन भी हुए हैं, अगर इसको शुरू से अगर कानून व्यवस्था के ऊपर ध्यान दिया जाता, अपराध होने की वेट ही क्यों कर रहे हैं, अपराध
होने के बाद भी इतना टाइम 4.5 साल का समय लगा दिया, उन्होंने सिर्फ 4-5 जिलों को चिन्हित किया। आप लोग विरासत में क्या देखे गए? देखिए विरासत में जो हमारी सरकार में भी हो सकता है कि कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन जो आंकड़ों की बात, जिस तरह से इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जिस तरह से इन्होंने अपने मुख्य उसमें प्रचारित किया है, उसके साथ इन्होंने बिल्कुल बेइंसाफी की है। सिर्फ वो पर्चो और नारों तक ही सीमित रहा है। राशि साहब, क्या क्या लगता है कि जो आंकड़े आते हैं एनसीआरबी के, वो डराते हैं काफी, और सरकार जो है कहती नजर आती है कि अब जैसा कि मैंने हुड्डा साहब से भी कहा कि बीजेपी ऐसे कहती है कि अब खुलकर जो है पीड़ित सामने आ रहे हैं, क्या इसलिए मामले बढ़ रहे हैं, क्या आंकड़ों में इसलिए लगता है कि हरियाणा में अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक अगर कोर्ट खोलने का फैसला लिया जाता है सरकार के लिए तो वो स्वागत योग्य है? देखिए बिल्कुल स्वागत योग्य है एक बात, दूसरी बात यह है कि अभी सिनेरियो चेंज हुआ है, पहले दशकों में और अभी में मीडिया सक्रिय हुई है, लोग जागरूक हुए हैं, शिक्षित हुए हैं, लोगों को अपने न्याय लेने का अपने अधिकारों का ज्ञात हुआ है। पहले क्या होता था, ऐसे रेप के मामले दबा लिए जाते थे, पंचायतों में सुलटा लिए जाते थे या कई और तरीके होते थे उनका, अभी पर आरोप लगते हैं कि दबाव बनाया जाता है किसी भी तरह का। बिल्कुल होता है, लेकिन अभी जागरूकता आई है। मैं कहूँगा एक सामाजिक आदमी होने के नाते ये कहूँगा कि ये अभी जो अपराधों की संख्या एनसीबीआर आंकड़े बढ़े हैं उसमें जागरूकता का बहुत योगदान है, मीडिया का बहुत योगदान है, और जो शिक्षित वर्ग हुआ है अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है उसका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए ये रेप के केसेस के बारे में संख्या बढ़ोतरी है। अदर साहब कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो बार बार एक तर्क दिया जा रहा है, मैं ये बात तो दुरुस्त है कि लोगों के अंदर जागरूकता आई है, लोगों पढ़ ली लोगों, क्योंकि लोगों के अंदर एजुकेशन जो है बहुत बढ़ोतरी हुई है, इम्प्रूव हुई है, लेकिन ये कह देना कि रेप के इस तरह के घिनौने अपराध पहले भी इतने फ्रिक्वेंट वे से होते थे, मैं इस बात को कतई नहीं मानता। जिस तरह के अगर रोहतक के अंदर निर्भया दूसरा निर्भया कांड जनवरी के अंदर 4 घटनाएं हो जाती है पंचकुला जैसी जगह पे, एक लेडी को गाड़ी में उठा के लिया लेके जाया जाता है और जाके मोरनी में उसका कत्ल हो जाता है। मतलब इस तरह से जो अपराधों में बढ़ोतरी हुई है तो वो एक चीज दिखाती है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके दिल से कानून का खौफ खत्म हो गया। और ये कब होता है, देखिए बड़ा स्पष्ट है, जब ये इस तरह की जब अपराध में बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस का नकारात्मक रवैया और सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं जब वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देना शुरू कर दें तो उनके दिल से खौफ खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरकार की पहली कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह का अपराध हो ही ना, महत्वपूर्ण चीज है ये। लेकिन सरकार क्या कहती है कि साहब अपराध हुआ हमने अपराधी को पकड़ लिया, अब उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाएंगे सजा देंगे, ये सेकेंडरी चीज है। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि रेप और गैंग रेप ऐसा घिनौना अपराध कभी हो ही ना, वो उसके ऊपर सरकार बात नहीं करती, उस पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। डोगरा साहब, पुलिस पर भी सवाल उठते हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं इस तरह के मामलों में? कई बार आपकी बात सही है, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई बार पुलिस को इस बात की नॉलेज नहीं है कि आगे प्रोसीड कैसे करना है, तो उनको जरूरत है सेंसिटाइजेशन की, उनको जरूरत है स्पेशल ट्रेनिंग की। अभी एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट है कि जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और जो प्रोसिक्यूटर एक प्लेटफार्म पे बैठकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। 3 डेज का कोर्स, स्पेशल कोर्स चंडीगढ़ में चल रहा है, जो कि थर्ड कोर्स भी 27 से 29 जून तक होना है। तो मैंने उसमें देखा कि एडिशनल सेशन जजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि इसकी ट्रायल, रेप केस की ट्रायल मैजिस्ट्रेट तो कर नहीं सकते, एडिशनल सेशन जजेस ही कर पाएंगे। तो एडिशनल सेशन जजेस भी आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी आ रहे हैं, प्लस पुलिस ऑफिसर भी आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा जो सिस्टम स्टार्ट किया है उससे मैं समझता हूं कि भी बेटरमेंट हमारी इन्वेस्टिगेशन। आप किसका फेलियर मानते हैं, क्या पुलिस का ही फेलियर माने पूरी तरीके से कि कानून व्यवस्था को बरकरार नहीं रख पाती है, एक डर नहीं बन पाता है अपराधियों में? देखिए मैं तो यार सरकार की पॉलिसी, मैं देखिए पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं इसलिए सरकार के बारे में मैं ज्यादा कमेंट भी नहीं करना चाहूंगा, ना मैं मतलब जानता हूँ। मेरा पॉइंट ये है, अगर पुलिस किसी क्राइम को प्रिवेंट करना चाहे तो वो कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये पुलिस की नेग्लिजेंसी होती है कि क्राइम हो, तो करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन चाहती नहीं फिर अगर करना, अब नहीं चाहती है। देखिए नहीं चाहती है, क्यों नहीं चाहती है, इसके रीजन डिफरेंट हो। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, हर साल आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन अब सरकार जो है सचेत हुई है, 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने का ऐलान किया गया है, गृह सचिव ने आज ये जानकारी दी है।
तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खास पैनल हमारे साथ है, साथ ही संजय जी भी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। संजय जी, क्या लगता है कितने समय में, हालांकि इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, समय निर्धारण नहीं किया गया, लेकिन कितना बड़ा कदम आप ये मानते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर? इतना बड़ा कदम मानता हूँ, जैसे प्रवीण अत्रे जी ने कहा कि ये गैंग रेप के मामले और गैंग रेप के जो अपना रेप के मामले बढ़ रहे हैं बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, ये फास्ट ट्रैक को उसी में एक कड़ी हिस्सा है कि फास्ट ट्रैक में अगर अपराधी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जिससे अपराध करने वाला सोचेगा कि मुझे ये सजा, इस सजा से मुझे बचने के लिए ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कदम है। सरकार है सकारात्मक तरीके से काम कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता पर है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे पहले, ये जो मैंने बताया कि ये सबसे पहले ये कदम उठाने जा रही है और कदम उठा चुकी है कि महिलाओं की सुरक्षा रहे। और जो पिछली सरकार है, जो इन्होंने अत्रे साहब ये कहते हैं कि आपकी सरकार में ही स्थिति इतनी खराब हुई कि सिर्फ रेप के लिए अलग से त्वरित अदालतें आप लोगों को बनानी पड़ रही हैं। देखिए, मैं तो ऐसा नहीं है, देखिए मेरी बात सुनिए, ये स्थिति भी आपकी ही सरकार में खराब हुई। विपक्ष को ये लगता है कि तुलनात्मक रूप से बेहद स्थिति खराब है महिलाओं के लिए। ज्योति जी, मैंने पहले बताया कि आपराधिक मामले पहले दर्ज नहीं हुआ करते थे, लोग अवेयर नहीं थे, अवेयर थे जाते थे तो दबा दिए जाते थे मामले, लेकिन आज लोग अवेयर हैं। हमारी ऑनलाइन जो हमारी हमने प्रक्रिया शुरू की, ऑनलाइन FIR दर्ज कराने की, फोन कीजिए 5 मिनट पे आपके पास पुलिस पहुंचेगी, महिला सुरक्षा के नाम अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या उसमें भी क्रेडिट लेंगे आप लोग? FIR अगर करवाई जाएंगे तो पहला पहलू तो ये है ना कि क्राइम हुआ, क्राइम को तो कम से कम आप लोग नहीं रोक पाए। ये जो बात प्रवीण अत्रे जी ने कही, आंकड़ों के ऊपर मैंने कहा, जब आंकड़े पहले दर्ज ही नहीं हुआ करते थे तो आंकड़े कहां से आते? आपराधिक मामले और ये बड़े हैं, मैं मानता हूं इस चीज को, भारतीय जनता पार्टी मानना पड़ेगा सर, आपको एनसीआरबी के आंकड़े हैं। अत्रे साहब, देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कोई ऐसा नहीं है कि वो संजय जी की संस्था है या वो आज की संस्था है, वो आज ही अपने डाटा देने लगी है। संजय जी को आज जाके एनसीआरबी के आंकड़ों को उठा के देखना चाहिए पिछले सालों के, आपको पता लग जाएगा कि अपराध कब बढ़ा और कैसे बढ़ना शुरू हुआ और कितनी तेजी से बढ़ा। लेकिन जो बड़ी चीज है संजय जी, एक दो बातें हैं, कानून बनाना और कानून को लागू करना दो अलग अलग चीजें हैं। आपको याद होगा संजय जी, आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, मध्य प्रदेश में पहले ये कानून बना था कि अगर रेप की घटना जो है किसी माइनर के साथ होती है 12 साल से नीचे तो फांसी की सजा होगी। जब वो कानून बना, क्या उसके बाद मध्य प्रदेश में रेप की घटनाएं कम होगी? उसके बाद अपराध बढ़ा। और आप हरियाणा में जब कानून बना, क्या उसके बाद कम होगी? उसके बाद बढ़ा। वजह यह है कि सरकार उस कानून को इंप्लीमेंट करने की जो इच्छा शक्ति होती है, जिस दृढ़ता से वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा होना चाहिए कानून का, वो सरकार नहीं कर रही और वो क्यों नहीं होती? तो अरे संजय जी, पहले आप उस अब सुन लीजिए मेरी बात। जब तक सत्ता में बैठे लोग अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देना बंद नहीं करेंगे, तब तक कानून का खौफ उनके दिल में पैदा ही नहीं हो सकता। उनके दिल में इसीलिए कानून का खौफ नहीं है, इसलिए अपराध, जिस तरह का अपराध बढ़ रहा है, इतना घिनौना अपराध जो बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है? यही वजह है, केवल कानून बनाने से काम नहीं होगा, दृढ़ता से उसको लागू करना होता है, उसको इंप्लीमेंट करना होता है। आप देखिए, आपको लगभग 6 महीने 5 महीने हो चुके हैं, क्या किया सरकार ने अभी तक उसमें? और लगभग सत्ता में आए हुए आपको 4 साल हो चुके हैं, आज आप कहते हो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने पे विचार हो रहा है, आज भी आप ये बात नहीं कहते। SS प्रसाद साहब अपनी PC में ये नहीं कहते कि हम बना रहे हैं, अभी भी विचार कर रहे हैं। ये जो आपका काम करने का स्टाइल है, ये कार्यशैली जो है, ये गलत है। प्रश्न साहब, आपको क्या लगता है कि विपक्ष तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए या वैसे भी आरोप लगाता ही रहेगा, लेकिन आप क्या मानते हैं कि असल वजह क्या हो सकती है इस तरह के आपराधिक जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमें अपने समाज की सोच को बदलने की आवश्यकता है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब उन्होंने सरकार में आए थे, एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमें सिर्फ अपनी लड़कियों के ऊपर नजर रखने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने लड़कों के ऊपर भी नजर रखने की आवश्यकता है। वो कहाँ जाते हैं, किस टाइम कहाँ रहते हैं, कैसी एक्टिविटी है, उनकी कंपनी कैसी है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं, फिर बात आती है सरकार की पॉलिसी पर भी। देखिए, ऐसा है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हम कहते हैं तो फास्ट एक रिलेटिव टर्म है। उसको फास्ट करने के लिए मैंने जैसे पहले भी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, फोरेंसिक लैबोरेटरी फास्ट होनी चाहिए, जो आज 2-2 साल में अपना रिपोर्ट देती है उनको 3 दिन में 4 दिन में देना पड़ेगा। उसके लिए ट्रेंड प्रोसिक्यूटर की जरूरत है, ट्रेंड पुलिस की जरूरत है, जो एविडेंस कलेक्ट करने में
डीएनए कलेक्ट करने में, जो एविडेंस मौके वारदात पे होते हैं उनको कलेक्ट करने में और उनको सहेज के रखने में और सही जगह पे पहुंचाने में और फिर कोर्ट में पेश करने में एक जो तीव्रता दिखाने की जरूरत है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कानून बनाया गया है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी होता है और जैसा कि अत्री साहब ने एक बात कही थी कि अपराधियों को सरकारें संरक्षण देना बंद करें, मैं जहां तक मानता हूं कि कोई भी सरकार, पहली सरकारें और यह सरकार, कोई रेपिस्ट को संरक्षण देते मैंने आज तक नहीं देखा है, टू बी वेरी फेयर। सरकार कानून बनाया है, उसको इम्प्लीमेंटेशन होना अभी है। यूपी और जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर पूरी राजनीति देखी गई थी, बहुत सारे मामले ऐसे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक यूपी के अंदर बलात्कार का आरोपी, उसके खिलाफ कंप्लेंट होती है और उसको गिरफ्तार नहीं करने दिया जाता, आप कहते हो कि संरक्षण नहीं देते, इससे बड़ा संरक्षण क्या होगा? देखिए अगर अगर हम एक दो मामलात को अगर देखें, हम जनरलिटी में बात करते हैं, अगर एक दो सरकार का नुमाइंदा, किसी भी सरकार का नुमाइंदा हो सकता है, उसको संरक्षण ऑब्वियसली दिया होगा, मैं नहीं उसे डिनाई कर रहा, लेकिन इन जनरल किसी भी रेपिस्ट को सरकार या कोई भी बचाने के लिए, इवन उनके, मैं तो ये समाज के लिए अच्छा बात कहता हूँ कि उसका घर वाले भी उसको संरक्षण नहीं देते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि पहले भी हमारा अगर देखा जाए निर्भया रेप कांड के बाद, उसमें के अंदर जो बॉम्बे का मथुरा कांड था, उन सबको ध्यान में रखते हुए धारा 375 और धारा 376 में बहुत बड़े अमेंडमेंट किए गए थे, 354 जो छेड़छाड़ की घटनाओं के लिए भी काफ़ी अमेंडमेंट किए गए थे, और आज जो 376 में पनिशमेंट का प्रावधान है, जो जनरल रेप के ऑफेंस है उनमें मिनिमम 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, और जो स्पेशल रेप केसेज हैं जैसे कस्टोडियल में हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है, तो उनके लिए मिनिमम 10 साल की सजा का प्रावधान है और ये बढ़कर लाइफ टर्म भी है और जो कि उसके आखिरी सांस तक जेल में रहने का है। टोकरा साहब के पास चलते हैं, उसके बाद अत्रे साहब आपके पास आएंगे। टोकरा साहब क्या लगता है कि जो माहौल होना चाहिए डर का वो बच्चियों में है, महिलाओं में है, बेटियों में है, लेकिन अपराधियों में कब होगा, कब तक हमें जो है इंतजार करना पड़ेगा? देखिए रेप केसेस बाकी ऑफेंसेस से थोड़ा जो है हटकर होते हैं। रेप जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक जो पर्सन हैं वो करते हैं। अगर हम दिल्ली की निर्भया कांड को लें, उसमें कोई पॉलिटिकल आदमी इन्वॉल्व नहीं था, दैट वाज नॉट प्री मेडिटेटेड। वो देखा 6 आदमी दारू पीकर जा रहे हैं दिन में पार्टी करने, एक लड़का लड़की देखे बस में बैठे, लेकिन आप देखिए उसके बाद भी सुरक्षा के कदम उठाए गए हैं बेटियों के लिए। नहीं बेटियों के लिए बात कहते हैं कि ये सख्ती करेंगे हम, जो बस में है सीसीटीवी लगवाएंगे, उन्होंने लगवाए नहीं सर। नहीं गवर्नमेंट ने लगवाए भी हैं, गवर्नमेंट ने लगाए हैं, इसके बाद क्यों? हाँ बाद में भी हो रहे हैं, इंतजार लंबा करना पड़ता है, इंतजार लंबा करना पड़ता है। सीधा सा एक सवाल ये है कि कानून का खौफ तो नहीं है, मानते हैं आप? ये तो बात सही है अप टू सम एक्सटेंट कि कानून का खौफ नहीं है। अगर कानून का खौफ हो तो अपराधी दोबारा कोई जो डिटरेंट इफेक्ट हो कि भी दोबारा अगर कोई भी आदमी अपराध करता है तो उसके साथ यही सजा दी जाएगी, एक खौफ मन में पैदा नहीं हो पा रहा है। अब जनता की सरकार अब चाहे जितनी भी कर ले, कानून कितने भी बन ले, उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी तब तक खौफ अपराधियों के मन में नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी जरूरत है पुलिस को ज्यादा ट्रेंड होना जी, और प्रोसिक्यूटर्स को ज्यादा ट्रेंड होना, जो फैसिलिटीज देना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना की जरूरत है आज पुलिस को भी और हमारे सिस्टम को भी। अदर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था अभी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता साहब कह रहे थे कि रेपिस्ट को कोई संरक्षण नहीं देता, उनको थोड़ा इस बात को समझना पड़ेगा। अपराधिक प्रवृत्ति जो है वो डेवलप होती चली जाती है, पहले एक कम घृणित अपराध किया, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा किया, धीरे धीरे जब उसको संरक्षण मिलना शुरू हो जाता है उसके हौसले बुलंद होने शुरू हो जाते हैं। अब इल्लीगल माइनिंग करते हैं लोग सरकारी संरक्षण में और वहां पे हत्या कर देते हैं किसान की सरकारी संरक्षण में, कार्रवाई नहीं होती, तो ऐसे लोगों का हौसला जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो इस घृणित अपराध तक भी पहुंच जाते हैं। ये मतलब है दूसरी बात जैसे अभी डोगरा साहब ने कहा और मैं पहले टाइम से कह रहा हूं कि इंप्लीमेंटेशन जो है वो बेहतर ढंग से जब तक नहीं होगी खौफ पैदा नहीं हो सकता, इस बात को आप माने। और सरकार अभी तक इस मामले में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। आज 4 साल के बाद फास्ट ट्रैक, देखिए अगर अपराध हुआ तो अपराधी को पकड़ के उसके अंजाम तक पहुंचाना ये सरकार का काम है, पुलिस फोर्स है उसके लिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन पहला सवाल जो है, जो यक्ष प्रश्न मैं तो कहूंगा वो ये कि अपराध हुआ ही क्यों, अपराध नहीं होना चाहिए, प्राथमिकता ये होगी अगर सरकार की तो शायद कानून व्यवस्था में बेहतर जो है हमें रिजल्ट मिल पाएंगे जो अभी तक नहीं मिल रहे। हुड़ा साहब
आलोचना आप लोग कर लेते हैं, लेकिन सुझाव कांग्रेस का क्या रहेगा सरकार का? सबसे बड़ी बात जो ये है, जो टोटल प्रक्रिया को पहुंचाने तक को फास्ट कोर्ट का मामला बाद में आता है, पहले जैसे महिला थाना इन्होंने खोले, उनमें जो स्टाफ की कमी है बड़े मोटे स्तर पे है। पिछले 4.5 साल में इन्होंने कितनी भर्तियां की है और कितनी भर्तियां करने वाले हैं इनका, उस तरफ केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से प्रक्रिया जो हमारे एक्सपर्ट ने बताई कि इन्वेस्टिगेशन होता है, फोरेंसिक से उनसे रिपोर्ट आती है, आगे पेश कर, उस सारे काम में उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का, तो वो लोग इतने बिजी है। तो उसका एक कारण ये भी है कि कुछ मामले तो वो FIR जैसे उन्होंने कहा कि वो दर्ज ही नहीं करते, कोशिश उनकी ये होती है किसी तरह दबाव बना के इसको रफा दफा कर दें। उसका मोटा कारण जो है वो स्टाफ की कमी है। तो जल्दी से जल्दी हरियाणा में पुलिस की भर्ती होनी चाहिए और बड़े बड़े स्तर पर होनी चाहिए, उन चीज़ों से ही इसको अपराध को रोका जा सकता है। संजय आहूजा जी, आखिरी कमेंट आपका। संजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है संपर्क टूट गया। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहेंगे, क्या लगता है कि सिस्टम की नाकामी है कहीं ना कहीं? अब देखिए, सिस्टम की नाकामी भी कहीं ना कहीं है। हम जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं और जैसा उनको करना चाहिए, और हो सकता है कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिव एक्यूमेन की, आपने ब्रेक से पहले कहा कि पुलिस अगर काम करना चाहे तो कर सकती है, इस तरह के अगर चाहें तो इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। क्यों है सर, चाहते क्यों नहीं है सर, कहां दिक्कतें हैं? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, आप नहीं बता पाएंगे। मैं बता देता हूं, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अपराधियों को संरक्षण मिलता है, वो संरक्षण यही तो होता है कि पुलिस को काम नहीं करने दिया जाता, यही संरक्षण है अपराधियों को मिलता है। और डोगरा साहब जो है इसको डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, वो घुमा के कह रहे हैं, मैंने डायरेक्ट बोल रहा हूँ, दिस इज द डिफरेंस ओनली। जी संजय जी है हमारे साथ, एक बार फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय जी, आपका आखिरी कमेंट? ऐसा है, मैं अतरे जी से बात करना चाहूंगा कि इसको ये हिम्मत नहीं देता ये बात करते हुए कि अपराधियों को संरक्षण दे रही है सरकार। अरे संजय जी, उदाहरण दूंगा, एक एक करके उदाहरण ले लो। जो आपके प्रधान सुभाष बराला जी के बेटे वाला मामला था, क्या वो संरक्षण नहीं था? क्या उसको बचाने की कोशिश नहीं थी? उन्हीं के परिवार में उनके भतीजे का करनाल वाला मामला, क्या वो संरक्षण नहीं था? क्या बचाने की कोशिश नहीं थी? जो माइनिंग माफिया ने यमुनानगर में एक युवक की हत्या कर दी, उसकी जमीन पे इलीगल माइनिंग करने के चक्कर में, और कुछ नहीं होता, क्या वो संरक्षण नहीं है? मुझे ये बताएं, आप संरक्षण किसे कहते हैं? मैं इस बात से बिल्कुल इस बात को खारिज करता हूं। आप तो करेंगे साहब, आप एडमिट कैसे कर सकते हैं? हस्तक्षेप करती तो इतने समय से वो जेल में नहीं होता। चलिए, शुक्रिया संजय जी जुड़ने के लिए फोन लाइन पर, और आप तमाम मेहमानों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बेहद शुक्रिया, धन्यवाद। तो सिस्टम की नाकामी है, सरकार की पॉलिसी में कमी है, या फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं, वहां कमी है, ये सोचने विचारने का मुद्दा है। लेकिन इसका स्वागत करना चाहिए कि जो पीड़िता है उनको न्याय मिले। अब 6 फास्ट ट्रैक और खुलेंगे जिलों में हरियाणा के, तो उससे कहीं ना कहीं न्याय मिलने की उम्मीद जरूर जगी है।